हेलो लर्नर्स, आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम एचटीएमएल में टेबल का यूज़ करके कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड का फॉर्मेट हम बना सकते हैं। ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है एडमिट कार्ड का, तो ये फॉर्मेट हम टेबल से कैसे क्रिएट करेंगे एचटीएमएल में, ये अभी हम देखते हैं। ओके, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने खोलना है टेक्स्ट एडिटर, सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर। वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें हम काम कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फोल्डर का नाम है HTML सेलेक्ट फोल्डर, इसे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो होम ये था, हम इसी में करते हैं इसकी कोडिंग। तो यहाँ से यहाँ तक हमें मिटा देना है, ठीक है। अब ये जो इमेज है हमें एक साइड रख लेते हैं ताकि इसे देख देख के हम कोड कर सकें। तो ठीक है, तो सबसे ऊपर रहना चाहिए कॉमन एडमिशन टेस्ट 2016। ओके, यहाँ पे वो टेबल के ऊपर भी है, हमें सबसे ऊपर यहाँ लिखना है टेबल के ऊपर H1। H1 को क्लोज कर दिया हमने। सो अब इसका क्या हमें आउटपुट मिलेगा ये अब देखते हैं। तो उसके लिए हमने इस फोल्डर को ओपन करना है HTML। वेयर इज द HTML फोल्डर? लेट मी सर्च। ओके, हियर। सो देन इसे हमने रन करवाना है, और रन देखो ये है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो अभी हमें इसे बिल्कुल कुछ इस तरह से चाहिए, कॉमन एडमिशन टेस्ट 2016 एडमिट कार्ड। तो ये मुझे ना बीच में रहना चाहिए, राइट। देखो अभी कैसे होगा, ये एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। ओके, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड 2019 समथिंग दिस। ये इसे करेंगे ना हम बॉडी, इसे हमें रखना है सेंटर के बीच में। तो ये क्या होगा, हमारा सेंट्राइज होगा जिस तरह से, ये देखो, ठीक है। अब नीचे हमने टेबल बनाना था, ये हमने टेबल बनाया हुआ है। तो टेबल में देखो, यहाँ पे इस टेबल में देखो कितनी कॉलम है। अभी यहाँ पे एक और दो कॉलम है, ठीक है, वन एंड टू कॉलम। यहाँ पे सबसे ऊपर में एक रो में दो कॉलम है, इस पहले रो में वन एंड टू। तो अब यहाँ पे बनाते हैं इसको। देन यहाँ पे पहला मैंने रो क्रिएट किया, ठीक है। अब इसमें कितने कॉलम थे, दो कॉलम थे, इसके हमने दो कॉलम बना लेना है, ठीक है। कॉलम ये हो गया, और एक कॉलम इसके नीचे बना लेते हैं, ये हो गया। अब देखो इस कॉलम में, इस कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक में नेम रहेगा और एक में नेम रख देते हैं। तो पहला है यहाँ पे नेम, के नेम, और यहाँ पे समथिंग अमित कुमार, ओके। देन अब इसके बाद क्या होगा, अब देखो इसका आउटपुट देखते हैं क्या हुआ अभी तक। यस, कुछ हुआ। इसे ठीक करने के लिए हमने क्या करना है, ये सिलेंडर यहाँ से काटना है, कट उस टेबल के नीचे कर देना है पेस्ट। तो ये हमारा टेबल भी सेंट्राइज होगा। ये अभी बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, पर जैसे इसमें इसे बनाता चला जाऊंगा ये अच्छा दिखना शुरू होगा, बिल्कुल इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैंने अभी ये किया है। अब देखो यहाँ पे काम, ये देखो ये वाला हमारा छोटा है, ये जो है, और ये बड़ा है हमारा ये वाला कॉलम। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैंने इस फॉर्मेट को बना लेना, फिर वो खुद ही समझ में आएगा, ठीक है। देन अभी क्या है, अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले में देखो, एक है, दो है, तीन चार कॉलम है, एक दो तीन चार कॉलम है, ठीक है। तो समझना ही, यहाँ पर टेबल को समझने वाली बात क्या है कि इसके नीचे तो एक ही कॉलम है ना, एक ही रो है, इस वाले रो के नीचे ये वाला एक एक फील्ड है। लेकिन देखो इस पूरे के नीचे देखो, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एक ही फील्ड है, लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने फील्ड है, एक दो तीन, मतलब ये एक कॉलम तीन कॉलम को अपने में अपने अंदर रखा हुआ है। ये वाला ऊपर वाला कॉलम तीन कॉलम को अपने अंदर रखा हुआ है। तो अब देखो इसकी इसे कैसे बनाएंगे हम। तो अब ना एक नया कॉलम, नया TR लेंगे यहाँ पे,
अपने यहाँ टीआर लेंगे, ठीक है। अब इस टीआर में हमने क्या लिखना था, यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, तो नेम का जगह लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, RegistrationN नंबर, ठीक है। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर में हमने कुछ भी यहाँ लिख देना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 समथिंग ये। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो तो बन गया, लेकिन ये तीसरा और चौथा अभी भी बाकी है ना, तो अब इसमें हमने यहाँ पे एक टीडी फिर से लेना है, ठीक है, और फिर टीडी लेना है, और इसके नीचे भी एक टीडी है, राइट। देखो यहाँ पे ये टेबल कॉलम, एक कॉलम ये था, 1 2 3 4 कॉलम, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 3 4 कॉलम किया। लेकिन देखो ये पहला वाला कॉलम इस नेम के नीचे आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, बट ये अमित कुमार वाले कॉलम के नीचे ये बाकी के तीन कॉलम आएंगे, ओके ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस वाले अमित कुमार वाले कॉलम जहाँ पे ये शुरू होता है यहाँ लिख देना है बस कॉल स्पैन 3, ओके, क्योंकि ये अपने अंदर 3 कॉलम्स को रखेगा। चलो देखते हैं क्या हुआ, ओके, देखो यहाँ पे 1 2 3 कॉलम यहाँ पे आ रहा है, अभी दिख नहीं रहा बिल्कुल, बट वो अभी जैसे जैसे मैं इसे बनाऊंगा तो वो दिखना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमित इसके नीचे 1 2 3 था कॉलम, तो हमारे पास भी समथिंग इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 कॉलम आ चुके हैं, है ना। तो टेबल का ना हम विड्थ रख देते हैं, देन आपको अच्छे से दिख पाएगा। यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ दे देनी है 1000 पिक्सल, 1000 विड्थ मैंने इसकी 1000 दे देनी है, देन ये शायद वो दिख पाएगा। वो देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये नेम है हमारा, ये अमित इस तरह से, यहाँ पे देखो ये कॉलम भी है। अब ये ठीक होगा, अभी हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे और धीरे धीरे बनाएंगे तो ये खुद ब खुद सही दिखने शुरू होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ देखो टेबल डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 ये सेम ही चीज़ रहेगा ना, तो इसे हम करते हैं कॉपी, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे और यहाँ कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ समथिंग समथिंग कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं 10/09/1993। अब यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखो ये ओके, हमने रिफ्रेश किया यहाँ पे तो ये ऐसा कुछ बना हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इस वाले टेबल में कि एक चीज गौर करो यहाँ पे कि 1 2 3 4 यहाँ पे और ये 4, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ये वाला फील्ड, ये जो फील्ड है और ये दो फोटो के लिए जो फील्ड है, इसमें ये लाइन हमें नहीं चाहिए ना। तो अब देखो ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये कितने रो को अपने में, देखो यहाँ से अगर इस तरह से ऊपर से देखो तो ये 1 2 3 कॉलम को अपने आप में एडजस्ट करके रखा हुआ है, बट अगर ये वाले को देखो, अगर ये वाले फील्ड को, तो ये तो रो है ना, 1 2 3 4, ये 4 रो को अपने आप में एडजस्ट करके रखा हुआ, राइट, ये 4 रो को। तो ना ये शुरू कहाँ से होना था मुझे, रजिस्ट्रेशन नंबर के पास से ही ना, राइट। देखो रजिस्ट्रेशन नंबर के पास से ही, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये वाला चीज है, देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के ये, और इसके बाद ये वाला, ये जो तीसरा कॉलम होगा ये 4 रो को अपने आप में एडजस्ट करेगा, तो ये जो तीसरा कॉलम है ये, तो ये उस बार हमें लिखना है रो स्पैन कितना 4, ठीक है। तो अब ना इस रो की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, देखते हैं इसे रहने देते हैं एक बार, इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। ये देखो ये ऐसा कुछ बन गया यहाँ पे आ रहा है। अभी हमने ना ये चीज़ हटा देनी है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये वाला भी ना 4 रो को स्पैन करेगा, रो स्पैन 4, क्योंकि इसके बगल में भी जो ये है, यहाँ पे देखते हैं, देखो ये भी सेम ही चीज़ है। अब मैंने इसे रिफ्रेश करना है, ये देखो ऐसा बना, ठीक है, ये दो। अब ये जो एक सिंगल आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये फोटो के लिए तो सही है यहाँ पे, देन ये क्यों आ रहा है, लेट मी सी, ये फोटो के लिए ठीक है। तो 1 2 3 हो चुका है, तो यहाँ पर शायद मैंने कॉल स्पैन 3 ही दिया था, ठीक है, लो स्पैन 4 है यहाँ पे, सही है, तो एवरीथिंग इज फाइन, बट दिस इज व्हाट, ओके लेट मी सी, यहाँ तक तो ठीक है, ये भी ठीक है, okay. ये एक एक्स्ट्रा जो आया हुआ है,
विल वर्क, ठीक है अब ये ठीक है। वहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा था ना, मैंने उसे हटा दिया यहाँ पे, ये जो था इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी नहीं मैं यहाँ पे ना ये जो रो स्पेन फोर लगा लिया, इस पर भी रो स्पेन फोर लगा लिया, तो अब ये चार कॉलम को अपने आप में एडजस्ट करता चला जाएगा। अभी दो कॉलम हो चुके हैं और दो कॉलम को ये दोनों अपने में एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी इसके आगे की, अब क्या है डेट ऑफ बर्थ के बाद कैटेगरी जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे जस्ट कॉपी करना है, इस वाले चीज़ को यहाँ कॉपी करना है और इसे कर देना है यहाँ पे कंट्रोल भी, और ये क्या है हमारा कैटेगरी, ठीक है। तो इसे हटा देना है और यहाँ लिखना है कैटेगरी, और कैटेगरी यहाँ पे हमें लिख देना है जनरल, GENERAL। सो देखो अभी कुछ इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है। अब ये जो पांचवा है ये क्या है, PWD नो, देन हमने इसे ही कॉपी करना है, कॉपी तो गया हुआ था, पेस्ट कर देना फिर से PWD एंड देन यहाँ पे नो। यहाँ पे मेन समझने वाली बात है ना, वो ये रो स्पैन और कॉल स्पैन वाली बात है, ठीक है ना। तो ये हमें समझना जरूरी है यहाँ पे। ये फोटो फील्ड से दोनों, लेकिन ये इतनी पतली नहीं होनी चाहिए। अभी मैं इसको बना लूंगा, फिर दिन में इसे एडजस्ट करूंगा, ठीक है, इस टेबल के जैसा। अब जो यहाँ पे एक टेबल हमारा खत्म हो गया, दूसरा टेबल बनेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। चलिए मैं इसे बना लेता हूँ पहले, तो पहले इस टेबल की स्टाइलिंग कर लेते, ठीक है। ये जो फोटो फील्ड है ना, ये हमें ठीक दिखना चाहिए, ये वाला दोनों फोटो फील्ड। चलिए इसकी कोडिंग करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है। तो इसकी विड्थ हमने 1000 रखी थी, ओके। तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है। इसकी जो विड्थ है ना, इस वाले विड्थ, ये पूरे कॉलम की विड्थ कम होनी चाहिए, राइट। देखो इसको कैसे, यहाँ पे आएंगे और ये वाली ना TD की जो विड्थ है ये कम होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए ना हम यहाँ पे तरीका एक यहाँ पे भी है कि इस नेम वाली TD की विड्थ कर देनी है 100 समथिंग। देखो अब ये क्या होगा, देखो ये 100 आया, तो यहाँ मैंने इसे 200 कर देना है देन, ओके। यहाँ पर 200 कर देते हैं इसे, देखो ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे, देखो ये आया। अब देखो अब ये जो 1 2 3 4 इसकी विड्थ हमें कम करनी है, इसकी विड्थ भी हमें कम करनी है, ये वाली चीज़ की। देखो यहाँ ये वाला चीज़, इसका विड्थ हमें कितना रखना है, 300 कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो हमने टेबल का विड्थ रखा हुआ है 1000, और ये है 200, और ये हुआ 300, देन ये अभी तक 500 ही हुआ, राइट। देन तो इसे करना क्या है, हमने इसे छोड़ देना है, इसकी विड्थ को छोड़ देना है, और इसे देखना है हमने, इस TD की विड्थ को देखना है। इस TD की विड्थ 300, और इसकी भी विड्थ कर देनी है सेट 300, बाकी खुद ब खुद वो एडजस्ट हो जाएगा। देखो क्या होगा यहाँ पे, ये देखो। तो अब ये ज़्यादा वाइड लग रहा है, मैंने इसे 200 कर देना है यहाँ पे इन दोनों फील्ड की लेंथ को। तो देखो अब ये समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है, अब सही है, फोटो के जैसा है, ओके। देन थोड़ा और कमिंग कर देते हैं इसे, ठीक है, तो 150 सबसे सही रहेगा, 150, 150, 150। देन इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। देन अब हमें यहाँ पे देखना है ये कैसा दिख रहा था। तो देखो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना, ये इसके बीच में स्पेस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, टेबल में यहाँ आएंगे और लिखेंगे सेल पैडिंग, सेल पैडिंग 10 करते हैं। देखो अब इससे क्या होगा ना, देखो क्या होगा, ये देखो अब सही है ना, बिल्कुल ये हमारा काम कर रहा है, अभी बिल्कुल अच्छा दिख रहा है ना, पहले जैसा इसके जैसा दिख रहा है थोड़ा। अब देखो इसमें ना एक बॉर्डर है, राइट, इसमें जो बॉर्डर है ना वो एक है यहाँ पे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमें डबल बॉर्डर दिख रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा बॉर्डर, ऑर्डर COLLESE, ये काम करता है या नहीं, ओके। तो ये वाला जो
ये वाला चीज़ हमें ना स्टाइलिंग भी करना पड़ेगा ये काम, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे स्टाइल, ठीक है। अब इसके नीचे ना हमें टेबल सेलेक्ट करना है, तो लिखना टेबल, ठीक। टेबल का जो बॉर्डर रखना है BORDER, बॉर्डर क्या रखना है हमें, कोलैप्स्ड। क्या होगा ना, कोलैप्स से क्या होगा, देखो ये इफेक्ट नहीं किया, देन लेट मी चेक, बॉर्डर कोलैप्स होना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं, मैंने इसे हटा देना है, इस बॉर्डर वन को हटा देना है यहाँ से, ठीक है। अब इसे रिफ्रेश करना है और यहाँ पे देना है इसका बॉर्डर, तो लेट मी चेक। ओके यहाँ पे ना ये जो हमारा प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखना है हमें कोलैप्स, ये है हमारा प्रॉपर्टी बॉर्डर कोलैप्स, देन कोलैप्स लिखना है, ठीक है। तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। यहाँ पे जो हमने यहाँ लिखना था बॉर्डर वन, यहाँ पे मैं इसे रहने देता हूँ। अब देखो ये परफेक्टली वर्क करेगा हमारा, आते हैं ये देखो बिल्कुल वैसे है, दिख रहा है ना इसके जैसे। अब देखो हमें क्या करना है ना, यहाँ पे इस एडमिट कार्ड को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसकी विड्थ को हम 900 कर सकते हैं, यहाँ पे 900। ओके देन देखो ये थोड़ा छोटा दिखेगा, ये बेस्ट है, अब सही है हमारा ये एडमिट कार्ड। अब हमें क्या करना है ना कि देखो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम, प्लीज़ फिक्स द सेम फोटोग्राफ। यहाँ पे आते हैं, देखो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखना है प्लीज़ द सेम, यहाँ पे क्यों लिखा मैंने देखो, क्योंकि ये वाला है, ये पहला रो स्पैन मैंने किया था ना, इस वजह से। देखो इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये आया ना यहाँ पे, तो इस तरह से ये काम करेगा। एज अपलोडेड ऑन वेब साइट, इस तरह से कुछ था हमारा ये इंफॉर्मेशन, ये है अब सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला टेबल बनाएंगे, नीचे वाला टेबल, बट इसमें अभी काउ थोड़ा सा काम बाकी। ये देखो ये जो ग्रे कलर का, राइट, ये वाला हमारा ग्रे कलर का है, इसे ग्रे कलर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आएंगे हमारे स्टाइल में आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, PR, ओके, फिर कॉलन, फिर nth चाइल्ड, TR nth चाइल्ड। सो लेट मी चेक यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे। ओके चाइल्ड इस कैसे सेलेक्ट करना है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके nth चाइल्ड इस तरह से, nth चाइल्ड, ओके देन यहाँ पे कैसे लिखा था, लेट मी चेक, nth चाइल्ड टू, देन इसकी स्टाइलिंग करनी है हमें। यहाँ पे देखो मैंने ये लिखना है बैकग्राउंड कलर ग्रे, तो ये हमारा ना TR नहीं, ये हमें TD सेलेक्ट करना, राइट, टेबल डेटा ये वाला पहला। देखो ये हमारा ऐसा दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ये है, ऐसा था, बट ये थोड़ा ज़्यादा डार्क ग्रे है, तो हमने इसे यहाँ पर लाइट ग्रे कर देना है। तो ये हमारा पहला टेबल बन के रेडी है, ठीक है। अब ना हमें ये नीचे वाला टेबल बनाना है, ये टेस्ट डेट डिटेल्स, तो इसे भी जल्दी से हम जाते हैं यहाँ पे और इस टेबल को करते हैं कॉपी यहाँ तक और इसे यहाँ करेंगे पेस्ट, जो जरूरत नहीं है उसे हमने यहाँ से मिटा देना है। सबसे पहले तो मैंने देखो यहाँ पे इस टेबल के हिसाब से हम काम करेंगे ये वाला। अब देखो ये पहला जो है, ये पहला जो पहला टेबल रो है, ये पहला कॉलम, इसमें एक ही कॉलम है और ये 1 2 3 को अपने अंदर में एडजस्ट किया हुआ है, 1 2 3 कॉलम्स को, तो इसे सबसे ऊपर वाला टेबल डेटा यहाँ पे, ये है हमारा टेबल टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला टेबल डेटा है ना, इसे कॉल स्पैन कितना है, ये
थ्री राइट। देखो यहाँ पे 1 2 3, तो कॉल स्पैन 3 है। देखो तो अब मैंने इसे सेव करना है और इसे रिफ्रेश करना है यहाँ पे, ये देखो। तो अभी अभी देखो यहाँ पे अभी इसे कैसे ठीक करना है, ये वाला तब हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये इकलौता यहाँ पे रहेगा ना। तो देखो तो इसमें थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं हम ताकि थोड़ा नीचे दिखे। यहाँ पे मैंने ब्रेक दे देना है दो टेबल के बीच में, देनिए भी देखो ठीक है सही है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ये जो बच गया है ये वाला क्यों बचा है इसको भी हम ठीक करते हैं। तो सबसे पहले ना हमें यहाँ पे ये जो टी आर के बीच में ये वाला चीज़ है ना, मैं इसे उड़ा देता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से पूरा ख़त्म कर देता हूँ, पता चल सके कि कैसे कैसे बनाना है। ये मैंने पहला बनाया, इसमें एक ही टेबल डेटा रखा है। देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा, ये देखो ये नेम, और ये नेम क्या रहना चाहिए, ये जो नेम है ये सेंटर में रहना चाहिए राइट। तो इसे हमने टी एच कर देना है, ये टेबल हेडिंग रह जाएगा ना फिर, इसलिए मैंने इसे टी एच कर देना है। तो ये खुद ब खुद सेंटर में, और नेम की जगह में रखना क्या है, टेस्ट डे डिटेल्स। तो यहाँ पर लिख देना है टेस्ट डे डिटेल्स, समथिंग इस तरह से ये आया। अब ये कलर है ना इसकी, इसका कलर हमें ग्रे रखना है। इसका कलर ग्रे कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। पहले हमने ये टेबल बना लेता है, बना लेना है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 कॉलम रखने हैं ना अगले टीआर में। तो यहाँ पे चलो ये टीआर को कॉपी, यहाँ पे टेस्ट, फिलहाल इसे मिटा देना है यहाँ तक अभी फिलहाल के लिए। ओके यहाँ तक मिटा देना है इसे, अरे मिटा देते हैं ठीक है। अब इसमें हमें कितना टेबल डेटा चाहिए, सॉरी इसे ही हटा देते हैं। तो हमें कितना टेबल डेटा चाहिए, 3 ठीक है। एक TD बन गया, दूसरा TD बन गया और तीसरा TD भी बन गया। अब देखो ये जो तीनों टेबल डेटा है यहाँ पे, अभी इसमें इसके नीचे 1 2 3 रहेगा ना, तो 3 कॉलम्स रहेंगे। तो मैंने 3 कॉलम्स यहाँ पे रख दिया। अब तीनों में जो जो लिखना है वो लिख देते हैं, डे एंड डे ऑफ टेस्ट यहाँ लिखना है, डे एंड टेस्ट में क्या था, टाइम टेस्ट टाइम एंड सेशन, टेस्ट टाइम एंड सेशन। तीसरा में क्या था हमारा, टेस्ट सिटी टेस्ट सेंटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी 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 लेट मी चेक ना, यहाँ पे क्या है कि ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये। अब इसके बाद ये लिखना है 4th December 2016 एंड संडे, यहाँ पे ये वाला होगा 4th December। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10th June 2019 जो भी होगा उस दिन, मंडे। अब यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ से देखो 1 2 3, और ये जो तीसरा है ना ये वाला जो कॉलम है वो कितने को एडजस्ट किया है खुद में, 3 रो को ना। तो इसके लिए हमने क्या लिखना है, जो लास्ट में इसके लिए लिखना है रो स्पैन ना 3 रो को ये अपने आप में एडजस्ट किया हुआ है कि नहीं ये वाला। तो अब देखो यहाँ पे हम आएंगे टेस्ट सिटी नोएडा। अब इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है, इसे अभी तक रिफ्रेश करते ठीक है, इसे सेव किए। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते क्या इफेक्ट पड़ा, ये देखो कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ा है 1 2। अब यहाँ पे ये आधा चला जाएगा ठीक है ना, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे आएंगे अभी, इसे कॉपी करेंगे और इसे करेंगे यहाँ पे पेस्ट। दूसरे में क्या है हमारा, टाइम टेस्ट टाइम एंड सेशन, यहाँ पे लिखना है हमें टेस्ट टाइम एंड सेशन। देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2:30 PM टू टाइम लिख देना है यहाँ पे, PM टू 3:30 PM समथिंग ऐसे। और इसके बाद हमने इसे रिफ्रेश करना है यहाँ पे, ये देखो 1 2 3 हमारा पहला जो ये वाला कॉल स्पैन 3 सही है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 और ये पे 4 हो चुका है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था, देन लेट मी चेक। तो इसे हम सुधारते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे कि टी आर, यहाँ पे टी आर शुरू हुआ बंद हुआ ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम हमारे पास रहेंगे। तो 3 कॉलम मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इस कॉलम में हमारे पास 3 रो रहेंगे सही है। अब ये टी आर यहाँ पे शुरू हुआ, इसके भी इसमें रो स्पैन नहीं रहेगा ना, इसको ज़रूरत नहीं रखने का, फिर मैंने वहाँ पे रख दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है नीचे उसके ये चीज़ रखने की। आया ना अभी दोनों आया यहाँ पे।
अब हम क्या करेंगे ना, इसके नीचे का काम करेंगे, टेस्ट सिटी नोएडा लिख देते हैं। तो इसे हम कॉपी करना है और यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है और इसे कर देना है पेस्ट। तो यहाँ पे ठीक है, टेस्ट सिटी यहाँ पे लिख देते हैं, सिटी हैदराबाद, हैदराबाद समथिंग हम करते रिफ्रेश। देखो ये आया ना यहाँ पे तीसरा भी। अब हम क्या करेंगे ना, इसके नीचे क्या है हमारा देखते हैं, टेस्ट सेंटर। तो अब लिख देते हैं, इसे ही कॉपी करना है। ओके अब लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे, अब इसके नीचे जो हम बनाएंगे ना, तो यहाँ पे 1 2 3 तीन कॉलम है ठीक है। चलिए यहाँ पे हमें तीन कॉलम रखना है ठीक है, क्योंकि इसके नीचे के बाद से ना, इसके लिए फिर ये वाला जो ये देखो यहाँ पे इसका आउटपुट, ये अब वर्क नहीं करेगा इसके नीचे, क्योंकि मैंने कॉल स्पैन रो स्पैन 3 लिखा था, तो ये 3 रो को एडजस्ट कर चुका है। अब इसके नीचे वाले को ये एडजस्ट नहीं करेगा, इसके नीचे हमें 3 कॉलम ही रखने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे से कॉपी करना है और इसके नीचे यहाँ पे कर देना है पेस्ट, और यहाँ पे एक और टी डी को पेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 टी डी रहेगा ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख लेते हैं, टेस्ट सेंटर सबसे पहला क्या है, टेस्ट सेंटर, और इसके नीचे क्या है हमारा, देखो टेस्ट सेंटर के नीचे आयोन डिजिटल समथिंग कुछ भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, टेस्ट सेंटर का नाम आयोन, आयोन डिजिटल HYDERA हैदराबाद समथिंग ये है। अब इसके नीचे क्या है, टेस्ट। तो देखो यहाँ पे अभी इसे हम रिफ्रेश करते हैं ठीक है, वाला खाली छोड़ना है ना, रिफ्रेश किया देखा। ओके ये हैदराबाद यहाँ पे क्यों आ रहा है, समथिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हमने इसे नहीं रखना ये वाला। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये आया ना हमारा, इसके नीचे ये खाली है। अब यहाँ पे समझना है कि ये खाली है ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसका बस विड्थ, इसका जो हाइट था वो ज़्यादा है, इसका हाइट हम ज़्यादा करेंगे अभी, वो हमें इसका स्टाइलिंग से करना होगा राइट। तो देखो अभी अब इसकी बात ये है, जो टेस्ट सिस्टम नंबर है ये करते हैं हम, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसे यहाँ कर देते हैं टेस्ट, टेस्ट सिस्टम नंबर ऐसा कुछ था। तो टेस्ट सिस्टम नंबर और यहाँ पे हमने कुछ भी नंबर डाल देना है, 8043377 दिस जो भी है। अब यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, तो यहाँ लिख देना हमें CANDI कैंडिडेट TUI, बस इतना लिखना है अभी फिलहाल। इसे करते हैं रिफ्रेश, देखो सही है ना यहाँ पे। अब देखो बाकी सब सही है हमारा, ये बिल्कुल बन गया, अब अच्छे से तैयार है ठीक है। अब ये अच्छा दिख रहा है हमारा, ये हमारा 3 रो में भी आ गया। अब इसकी बस ये वाले की हमें हाइट जो है ज़्यादा रखना है ना, ये वाला का हाइट, इसका हाइट रखने के लिए ज़्यादा क्यों क्या करेंगे ना हम, देखो क्या करेंगे, ये पे कुछ ऐसा था। तो इस पार्टिकुलर चीज़ का, इस पार्टिकुलर टेबल डेटा का हाइट हमने हाइट ऐसे कुछ रखना है, यहाँ पे जो है ये वाला टेबल, टेस्ट सेंटर वाला टेबल डेटा का हाइट हमने अलग कर देना है, यहाँ से हाइट रख देनी है, हम के चलते हैं 100। अब देखो ये होगा ठीक है ना, सही है, 100 से कम समथिंग 80 रख देंगे तो इसके बराबर में दिखेगा, तो 90 कर देते हैं हम यहाँ पे इसे ठीक है, ये 90। इस करते रिफ्रेश, देखो पार्टिकुलर इसका बस डेटा चेंज हुआ ना, इसका हाइट चेंज हुआ। तो अब ये हमारा ये जो देखो ये ऐसा दिख रहा था ना, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा दिख रहा है राइट, ये हमारा भी बिल्कुल लगभग वैसा दिख रहा है ना। अब देखो ये वाला अंडरलाइन है वहाँ पे, तो अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यू यू यूज करते हैं, यहाँ पे आएंगे और इसके बाद यहाँ पे हमने यूज़ करना, तो इसको हमने अंडरलाइन के अंदर रखना, तो इसे करना यू और यहाँ पे कर देना है यू को क्लोज। अब देखिए इसे हमने रिफ्रेश करना है, ये देखो ये बिल्कुल सेम बन के ऐसा तैयार है हमारा एडमिट कार्ड बिल्कुल ना। अब देखो बस इसकी कलरिंग हमें क्या कर देनी है, ये वाला कलर, इसका बैकग्राउंड कलर हमें ग्रे चाहिए राइट। तो ये देखो ये क्या है, यहाँ पे इस टेबल में देखते हैं, देखो यहाँ पे मैं कुछ मान के चलता हूँ, देखो ये जो है हमारा ये टी डी कहलाता है, ये वाला टी डी, टी डी। तो अभी मैंने जो यहाँ पे स्टाइलिंग से जो यहाँ पे मैंने लिखा था ना टी डी,
एंथ चाइल्ड वन, टीडी एंथ चाइल्ड वन, दैट मीन्स कि ये देखो एंथ चाइल्ड वन मतलब क्या, ये पहला, ये पूरा टीडी, ये पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसा है। उसी तरह से ये भी टेबल टीडी वन था इसलिए ये वन में ही ये ग्रे कलर आया। लेकिन अगर इसको देखो तो ये टी आर है, राइट, ये टी आर है, ये वाला टी आर है, ये पूरा टेबल रो कहलाएगा और ये पहला टेबल रो है, ये दूसरा टेबल रो, ये तीसरा टेबल रो, इस तरह से। तो एंथ चाइल्ड अगर इसका हम टी आर वन सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला बस सेलेक्ट होगा, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसका कलर हमें ग्रे करना है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों टेबल, तो इसके लिए हमें ना एक पार्टिकुलर स्टाइलिंग करना पड़ेगा बस इस टी आर का, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको लिखना है स्टाइल और इसका बैकग्राउंड कलर देना है ग्रे लाइट। देखो अब ये काम हमारा करेगा, ठीक है, कंट्रोल सेव और यहाँ पे ये, ओके, मैंने गलत जगह पे वो लगा दिया है, इसे हम यहाँ से करते हैं कट। इसे हमें यहाँ पे नीचे वाले टेबल में पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे करना है पेस्ट, कंट्रोल भी सेव करना है और इसे कर देना है यहाँ पे इंटर। ये देखो ये बिल्कुल उस तरह से बन के सेम लगभग बन के तैयार है, राइट। तो इस तरह से हम टेबल का यूज़ करके, एचटीएमएल टेबल का यूज़ करके किसी भी टेबल स्ट्रक्चर को कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा हम बना सकते हैं टेबल का यूज़ करके, ठीक है। तो इसका हमें वेबसाइट बनाने में काफ़ी यूज़ पड़ता है, यूज होता है यहाँ पे, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से एचटीएमएल टेबल। अब मानो कि अगर हमें इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, इसका कलर यहाँ पे फोटो है ना, तो इसका अगर इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है देन, अब देखते ये क्या, हाँ है, ये कहाँ पे है, देखो देखो ये ऊपर वाले टेबल में था और ये कौन सा था पहले में, यहाँ पे मैंने रोज पैन थ्री लिखा था वो वाला था ना, राइट। तो देखो ये वाला चीज़ है वो, ये वाला, तो इसकी स्टाइलिंग कर देनी है यहाँ पे, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देना, मान के चलो ब्लू कलर पार्टिकुलर चेंज होगा, देखो है ना, ऐसे हम यहाँ पे कलरिंग कर सकते हैं, जिस भी एलिमेंट के लिए चाहिए उसका इनलाइन स्टाइल भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और या तो फिर यहाँ पे हम यहाँ पे हेड सेक्शन में भी स्टाइल लिख के उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टेबल काम करता है। तो टेबल के बारे में ये था हमारा एक बेसिक सा एग्जांपल, तो इसके आगे हम मिलते हैं।